Fine. So now let's start the another topic, that is the part third of haloalkane and halogens, and that is the nomenclature of haloalkanes. So today we will study about common and IUPAC nomenclature of haloalkanes. So let's start. Nomenclature, it means to call by name. Just we are calling different people by different names. Similarly, different organic compounds, here the haloalkanes, they are called by different names. We are having two ways to name these haloalkanes. One way to name these haloalkanes, that is called the common system, or it's also known as trivial system. So in this system, what we are going to do, we will name these haloalkanes by common name or trivial. ये जो नाम है common system nomenclature, ये limited है, क्योंकि ये हर जगह पे हम use नहीं करते हैं. The very important nomenclature will be definitely IUPAC. पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं commonly इनको हम कैसे नाम देते हैं, फिर हम मैन पे आ जाते हैं, दैट इज द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोअल्केन्स. तो आप सिंपली याद रखेंगे, इन कॉमन सिस्टम, इन ट्राइवियल सिस्टम, हैलोअल्केन्स आर नोन एज अल्काइल हैलाइड्स. इनको जो हम नाम देते हैं कॉमन सिस्टम है, दैट इज अल्काइल हैलाइड. अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड इज द कॉमन नेम ऑफ हैलोअल्केन, राइट? सो लेट्स सी, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आर हैविंग दिस CH3Cl, तो इसको कॉमन नेम देना है तो कैसे देंगे? पहले अल्काइल का नाम देंगे. अल्काइल इट्स हियर मिथाइल, है वन कार्बन कंटेनिंग अल्काइल, दैट्स कॉल्ड मिथाइल. सो इसको हम बताएंगे दिस इज अवर मिथाइल, और उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट्स हैलाइड. हैलाइड इज हियर क्लोराइड, सो इट्स मिथाइल क्लोराइड. दिस इज इट्स कॉमन नेम. Similarly, we are having just like this CH3, CH2, Br. तो यहाँ पे जो हमारा अल्काइल है, that is the ethyl. इसको हम बताएंगे ethyl bromide. उसके बाद जो हैलाइड है हमारा, that is here bromide. So this is ethyl bromide, right? Similarly, अगर हमारे पास just like this होगा CH3, then it's CH. और यहाँ पे आयोडीन है. And then it's here CH3. इसका हमें देना है कॉमन नेम. कैसे देंगे? देखो ये स्ट्रेट चेन है, यहां से ब्रांच निकला है, तो इसको हम बताएंगे आइसोप्रोपाइल आयोडाइड. यहाँ पे जो हमारा अल्काइल है, दैट्स आइसोप्रोपाइल, तीन कार्बन कंटेनिंग अल्काइल, दैट्स कॉल्ड प्रोपाइल. सो आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, राइट? आइसोप्रोपाइल आयोडाइड. या सिंपली अगर यही आयोडीन कहाँ पे होता, कॉर्नर पे होता, जस्ट लाइक दिस CH3, CH2, CH2 एंड देन इट्स हियर आयोडीन आई, तब ये भी प्रोपाइल ही है, पर ये स्ट्रेट चेन है, इसको हम कहते हैं एन प्रोपाइल आयोडाइड. जब भी स्ट्रेट चेन होगी कार्बन की, तब हम एन का यूज करते हैं. एन मीन्स नॉर्मल, सो इट इज नॉर्मल प्रोपाइल. और जब एक ब्रांच होगा है ना, तब इसको हम आइसोप्रोपाइल आयोडाइड कहते हैं. सिमिलरली अगर हमारे पास जस्ट लाइक दिस होगा, इफ आई हैव CH3, देन इट इज सी, यहां पे भी CH3, यहां पे भी CH3, और यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन अटैच्ड है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा अल्काइल है, इसमें कितने कार्बन है, 1, 2, 3 एंड 4. 4 मीन्स ब्यूटाइल, पर ये जो ब्यूटाइल है, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल, राइट? यहाँ पे इसको हम क्या नाम देते हैं, इट इज टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड.
टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड विल बी द नेम गिवन टू दिस टर्शियरी ब्यूटाइलन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू दैट कार्बन व्हिच इज टर्शियरी, है ना, टर्शियरी कार्बन मैंने बताया था। सिमिलरली आप किसी भी अल्काइल हैलाइड को नाम दे सकते हैं कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे ये ब्रोमीन होगा, ठीक है, जब आप नंबरिंग करते हैं तो यहाँ से करते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। हैलोजन एटम कंटेनिंग कार्बन, है ना, जिस कार्बन पे हैलोजन एटम होगा उसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे इस पर अभी तो हम IUPAC से नेम नहीं दे रहे हैं, अभी हम कॉमन सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो कॉमन सिस्टम है इस वाले को हम कहते हैं, देखो इसमें 5 कार्बन है, इसको बताएंगे सेकेंडरी पेंटाइल। 5 कार्बन वाला अल्काइल जो होता है दैट्स पेंटाइल, सो इट्स सेकेंडरी पेंटाइल ब्रोमाइड, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड वाले कार्बन पे है ये, और ये जो कार्बन है दिस इज सेकेंडरी कार्बन, सो सेकेंडरी पेंटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो ऐसे हम देते हैं कॉमन सिस्टम में हेलो अल्केन्स का नाम। सिंपली आप याद रखेंगे, जब कार्बन चेन स्ट्रेट होगी वी विल यूज द एन, एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, इफ देयर इज वन ब्रांच वी कॉल इट एज आइसो, आइसो प्रोपाइल, है ना, जैसे यहाँ पे। और अगर यहाँ पे टर्शियरी है कार्बन पे हैलोजन एटम है, इट्स टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी पे है तो सेकेंडरी, यहाँ पे 5 कार्बन है तो पेंटाइल ब्रोमाइड। सो इन दिस वे वी आर गिविंग कॉमन नेम। जैसे कॉमन नेम है हम ऐसे भी नाम देते हैं, जैसे आपने पढ़ा है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, तो आई होप कि आपको याद आ रहा होगा हैलोजन इज अटैच्ड टू दैट कार्बन विच इज डबल बॉन्डेड, है ना, डबल बॉन्डेड कार्बन हैविंग हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसको हम कहते हैं कॉमन सिस्टम है विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, क्योंकि ये जो हमारा ग्रुप है दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज ए विनाइल ग्रुप। मैंने ये कल भी बताया था सेकेंड पार्ट में, विनाइल क्लोराइड। सिमिलरली अगर हमारे पास जस्ट लाइक दिस होगा CH2 डबल बॉन्ड CH देन सिंगल बॉन्ड CH2 Br, लेट्स सी, तो ये जो कार्बन है इट इज एलाइलिक कार्बन, है ना, हियर हैलोजन इज अटैच्ड टू दैट कार्बन हुज हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 बट इट इज अटैच्ड टू डबल बॉन्डेड कार्बन, तो इसको एलाइलिक कार्बन कहते हैं। इसको बताएंगे हम कॉमन सिस्टम में एलाइल ब्रोमाइड, इसको हम बताएंगे एलाइल ब्रोमाइड, ठीक है, क्लोरीन होगा तो एलाइल क्लोराइड, जस्ट लाइक दिस। सिमिलरली अगर हमारे पास जस्ट लाइक दिस होगा, इफ आई आर हैविंग बेंजीन, है ना, बेंजीन है और यहाँ पे CH2 है और इस पे यहाँ पे क्लोरीन है, तो ये हमने देखा था कि दैट इफ हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन, इसको हम कहते हैं बेंजाइल, है ना, सो इसका कॉमन नेम जो रहेगा दैट इज बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड, तो ये हम याद रखेंगे कॉमन सिस्टम और ट्राइवियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर हेलो अल्केन्स। ठीक है, यहाँ पे हम अभी नोमेनक्लेचर देख रहे हैं हेलो अल्केन्स का, उसके बाद जब ये हम कंप्लीट करेंगे हेलो अल्केन देन वी विल स्टार्ट हेलो अरीन्स, फिर उनका नोमेनक्लेचर हम वहां पे ही पढ़ेंगे। नाउ लेट्स सी वेरी इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर दैट इज द IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सो इन IUPAC सिस्टम हेलो अल्केन जो है यही अल्काइल हैलाइड्स का IUPAC नाम है। अभी हमने देखा दैट इन कॉमन सिस्टम इनको हम क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं, पर आप याद रखेंगे ये जो अल्काइल हैलाइड है कॉमन नेम है, तो IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC नेम फॉर अल्काइल हैलाइड्स इज हेलो अल्केन्स, राइट, ओके, लेट्स सी सेकेंड टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर दैट इज द IUPAC नोमेनक्लेचर,
In IUPC, we call these alkyl halides as haloalkanes. So haloalkane is the IUPAC name for alkyl halides. ये अभी क्लियर हो जाएगा आपको. जस्ट वी आर हैविंग CH3Cl, अभी हमने देखा था. तो पहले अब यहाँ पे किसका नाम देना है, किस हैलोजन का है. हैलोजन का नाम कैसे देंगे, हैलो, जैसे फ्लोरीन का फ्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, क्लोरीन का क्लोरो, है ना, आयोडीन का आयोडो. तो यहाँ पे क्लोरीन है, इसका जो नाम होगा IUPAC नाम, इट विल बी क्लोरो मीथेन, है ना. अल्केन जो हमारा यहाँ पे है, एक ही कार्बन है, सो डेफिनेटली इट इज मीथेन. क्लोरोमीथेन विल बी द IUPAC नेम ऑफ दिस CH3Cl. सिमिलरली इफ आई हैविंग CH3CH2Br, तो इसका जो IUPAC नॉमेनक्लेचर होगा, पहले हेलो, हेलो इज अवर ब्रोमो, और ये एक ही नाम हम देते हैं एक ही वर्ड में, ठीक है, ब्रोमो. उसके बाद दो कार्बन वाला अल्केन जो होता है, that's ethane, so it's bromoethane. Simple. Now, if I having just like this, CH3, CH2, CH2, CH, Cl, और यहाँ पे CH3. ठीक. Carbon is always tetracovalent in organic compounds. तो carbon हमेशा चार bond बनाता है. 1, 2, 3, चौथा hydrogen के साथ. तो टेल मी, यहाँ पे इसका आईयूपीएसी नाम हम कैसे देंगे. इन ऑर्डर टू गिव आईयूपीएसी नाम फॉर दिस हेलो अल्केन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू नंबरिंग, है ना. नंबरिंग यहाँ से करेंगे, मैंने अभी बताया था दैट नंबरिंग इज डन सच अ वे दैट हैलोजन कंटेनिंग कार्बन, इट शुड गेट लोवेस्ट पॉसिबल नंबर. तो दूसरे कार्बन पे क्लोरो है, सो हेलो अल्केन, इसको हम बताएंगे 2 क्लोरो पेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन, जस्ट लाइक दिस. और ये बात इंपॉर्टेंट रहेगी कि हैलोजन जो होते हैं ये सबस्टिट्यूएंट्स होते हैं. इसे बता रहा हूं, हैलोजन जो होता है सबस्टिट्यूएंट होता है, और सबस्टिट्यूएंट के लिए हम प्रीफिक्स का यूज करते हैं. जैसे प्रीफिक्स यहाँ पे क्लोरो है, यहाँ पे प्रीफिक्स जो है ब्रोमो है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं 2 क्लोरोपेंटेन. ओके, लेट्स सी, अगर हमारे पास वैसा होगा दैट वी आर हैविंग CH3, देन इट इज सी एच, यहाँ पे भी CH3, उसके बाद CH2, देन अगेन वी आर हैविंग CH2 एंड लेट्स सी Br. इसका नाम कैसे देंगे, नंबरिंग कहाँ से करेंगे. देखो, हैलोजन ये जो है ये भी सबस्टेंट है, मिथाइल जो है ये भी सबस्टेंट है, सिट्रेट चेन लॉन्गेस्ट पॉसिबल जो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना, दैट इज दिस वन, है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी ऐसा होगा तो हमें वी हैव टू सिलेक्ट ए लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन, सो दैट इज दिस वन. अब यहाँ पे ये भी सबस्टेंट है, दिस इज ऑल्सो सबस्टेंट, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ये ब्रोमो है, दिस इज मिथाइल, बी कम्स फर्स्ट देन एम, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो यहां से ये नंबर करेंगे 1, 2, 3 एंड 4. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 1 ब्रोमो, फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमो है, थर्ड पे मिथाइल है, 1 ब्रोमो, थर्ड 3 मिथाइल, देन इट्स ब्यूटेन. 4 कार्बन है चैन के अंदर, मैन चैन के अंदर, सो दैट इट इज 3-methyl-butane. सिमिलरली अगर हमारे पास ऐसा होगा, से यहां पे क्लोरीन है, इसका नाम कैसे देंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिलेक्ट ए स्ट्रेट चेन, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन, वो कौन सी है, जस्ट लाइक दिस, ना. यहाँ पे एक कार्बन है, दिस इज द बॉन्ड लाइन नोटेशन. बॉन्ड लाइन नोटेशन आई होप कि आपको आता होगा. बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम कार्बन एटम्स को जस्ट पॉइंट या डॉट्स से दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे. हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट शोन, ठीक है, हीटेरियो एटम्स आर शोन, जैसे क्लोरीन यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी. सो दिस विल बी आवर
लॉन्गेस्ट पॉसिबल कॉर बन जाए। तो नंबरिंग अब कहाँ से करेंगे, देखो यहाँ से करेंगे 1 2 3, यहाँ से करेंगे 1 2, तो डेफिनेटली यहाँ से नंबरिंग हम करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। नाउ 2 पे क्लोरो है, 3 पे मिथाइल है, तो पहले कौन आएगा, क्लोरो आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, सो इट्स 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, देन इट इज 3 मिथाइल, 2 क्लोरो 3 मिथाइल, देन इट्स पेंटेन, जस्ट लाइक दिस। सिमिलरली इफ वी आर हैविंग जस्ट लाइक दिस, अगर हमारे पास ब्रोमीन है और यहाँ पे क्लोरीन है, तो कहाँ से पहले स्ट्रेट चैन सेलेक्ट करनी है। स्ट्रेट चैन जो है हमारी, दैट इज जस्ट लाइक दिस, जिसमें 4 कार्बन एटम्स है, 1 2 3 एंड 4। अब नंबरिंग अगर मैं यहाँ से करूँगा, 1 2 नंबर इसको मिल रहा है, और यहाँ से करूँगा 1 2 इसको भी मिल रहा है, तो अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ब्रोमो बी पहले आता है सी से, क्लोरो का सी है, सो नंबरिंग यहाँ से ही करेंगे 1 2 3 4। तो अब नाम भी कैसे देंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले है ना, सो इट इज 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, देन इट इज 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, ये पूरा एक ही वन वर्ड होना चाहिए। ठीक, इन IUPAC सिस्टम, इन IUPAC नॉमेनक्लेचर जो हम नाम देते हैं, दैट इज ए सिंगल वर्ड। ओके, लेट्स सी मोर एग्जांपल्स ऑफ हैलो अल्केन्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है दैट अब अगर हैलोजन एटम के अलावा कार्बन चेन में डबल बॉन्ड आता है, ठीक है, इफ देयर इज डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड जो है दैट्स गिवन हायर प्रायोरिटी नंबरिंग। ठीक है, उसको ज्यादा प्रायोरिटी हम देते हैं जो है हम नंबरिंग देते हैं। लेट्स सी, लेट्स से वी आर हैविंग CH3, देन इट इज CH डबल बॉन्ड CH, इट इज CH2, देन अगेन CH2 एंड CH। तो यहाँ पे इसका IUPAC नाम हम कैसे देंगे, पहले सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन, सो दैट इज दिस वन स्ट्रीट। अब यहाँ पे नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, देखो यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो इस कार्बन को नंबर 1 मिलेगा और डबल बॉन्डेड कार्बन को 3 नंबर मिलेगा, 1 2 3। बट इफ वी विल डू नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड, इसको 1, डबल बॉन्डेड कार्बन को 2 मिलेगा। तो मैंने बताया दैट डबल बॉन्डेड कार्बन इट इज गिवन हायर प्रायोरिटी, इसको प्रेफरेंस दिया जाता है देन सबस्टेंट। ठीक है, देन दिस हैलोजन्स, हैलोजन सबस्टेंट, तो नंबरिंग यहाँ से होगी अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल्स। नंबरिंग जो है इट इज डन इन सच अ वे दैट डबल बॉन्डेड कार्बन शुड गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर इन प्रेफरेंस टू हैलोजन। ठीक है, अब इसका जो नाम है, 5 पे क्लोरो है, सो इट इज 5 क्लोरो, उसके बाद पेंट 5 कार्बन, पहले वर्ड रूट पेंट, सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, स्टार्ट हो रहा है, सो पेंट 2E, सो इट इज 5 क्लोरो पेंट 2E। सिमिलरली अगर हमारे पास जस्ट लाइक दिस है, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CHCl, देन इट इज CH3, इसको नाम देना, तो कैसे नाम देंगे, देखो यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं और यहाँ से भी, दिस इज द ओनली पॉसिबल लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन, पर किस साइड से नंबरिंग करेंगे, डबल बॉन्डेड कार्बन शुड गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर, डेफिनेटली यहाँ से करेंगे 1 2 3 एंड 4। इसका जो नाम होगा 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, देन इट इज ब्यूट 1
ई है ना, ब्यूट इज द वर्ड रूट फॉर फोर कार्बन एटम्स इन ए चैन, वन कार्बन नंबर से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, सो वन ई, इन इज द प्राइमरी सफिक्स फॉर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, ऐसे हम नाम दिया करते हैं। ओके लेट्स सी, अगर हमारे पास ऐसा होगा CH3, यहाँ पे कार्बन, इसके साथ यहाँ पे भी मिथाइल और यहाँ से भी मिथाइल, ठीक है, देन इट इज CH2, ओके यहाँ पे ब्रोमीन है, ठीक है, तो कहाँ से नंबरिंग करेंगे? देखो ये फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चैन, वो ये है स्ट्रेट वन, 1 2 3। देखो ऑलवेज व्हेन एवर वी विल सेलेक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चैन, इट शुड कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक। तो यहाँ पे अभी तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है यहाँ पे, दिस इज द स्ट्रेट चैन, ये सबस्टिट्यूएंट्स एक्ट करेंगे, तो नंबरिंग मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ 1 2 3, और यहाँ से भी 1 2 3, बट विच इज प्रेफरेबल, जस्ट लाइक दिस, वन यहाँ से करेंगे 1 2 3। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन, जिस कार्बन पे इसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए, ब्रोमीन जो है ब्रोमो, इसका बी पहले आता है, उसके बाद मिथाइल एम, ठीक है। नाउ इसको कैसे नाम देंगे? देखो कार्बन नंबर 1 पे क्या है, ब्रोमीन है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा पहले, 1 ब्रोमो। अब कार्बन नंबर 2 पे क्या है, मिथाइल है, पर इसके ऊपर 2 मिथाइल है, तब हम कैसे इसको लिखते हैं? तब हम ऐसे लिखेंगे 2 कामा 2, देन डाई मिथाइल, वी विल यूज द प्रीफिक्स डाई, 2 कामा 2 डाई मिथाइल, और उसके बाद लिखेंगे प्रोपाइल। सो दिस इज द IUPAC नेम फॉर दिस कंपाउंड। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये रहेगा दैट जब भी टू सिमिलर सबस्टिट्यूएंट्स अटैच्ड होंगे टू ए गिवन कार्बन एटम, देन वी विल यूज प्रीफिक्स लाइक डाई, है ना, फॉर 2, ट्राई फॉर 3, टेट्रा फॉर 4, सिमिलर अगर सबस्टिट्यूएंट्स होंगे, जैसे यहाँ पे 2 कामा 2 डाई मिथाइल, इसका मतलब ये हुआ कि 2 मिथाइल जो है एक ही कार्बन पे है, दैट इज कार्बन नंबर 2। And remember here that in IUPAC this is very important, the two numbers are separated by comma, and a number and a letter they are separated by this hyphen, ठीक, this will be important. Okay, let's have this one. अगर हमारे पास this one, okay, let's take this as here bromo. ब्रोमीन एटम। अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट पॉसिबल चैन तो ये है, नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2, इसको 2 नंबर मिल रहा है, और यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2, डबल बॉन्डेड कार्बन को यहाँ से भी 2 नंबर मिल रहा है और यहाँ से भी 2 नंबर मिल रहा है, पर यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि इस वाले ब्रोमीन को भी 2 नंबर मिल रहा है, पर अगर मैं यहाँ से आऊंगा 1 2 3 तब तो 3 मिलेगा, सो द प्रेफरेबल वे टू नंबर दिस इज फ्रॉम दिस साइड, 1 2 3 4। तो अब इसको नाम कैसे देंगे? 2 पे ब्रोमो है, सो 2 ब्रोमो, उसके बाद ब्यूट, 4 कार्बन, दैट्स ब्यूट, एंड देन इट इज 2A, ब्यूट 2A, दिस इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम फॉर दिस और दिस हेलो अल्किन, ठीक है, दैट इज ब्रोमो ब्यूटी। नाउ लेट्स हैव, अगर हमारे पास ऐसा है डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हमारे पास है क्लोरीन, आप कैसे नंबरिंग देंगे? कहाँ से सेलेक्ट पॉसिबल जो चैन है वो यही है, तो नंबरिंग हम यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2 3, तो यहाँ से ही करना पड़ेगा, बिकॉज डबल बॉन्डेड कार्बन शुड गेट लोवेस्ट पॉसिबल नंबर, सो 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन एटम। तीसरे पे क्लोरीन है, तो इसका जो नाम होगा दैट विल बी 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, इसके बाद पैंट 1E, क्योंकि डबल बॉन्ड स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कार्बन नंबर 1 से, सो 3 क्लोरो पैंट 1E।
अगर हमारे पास जस्ट लाइक दिस है CHCl3, CHCl3, इसका जो कॉमन नेम है दैट इज क्लोरोफॉर्म, इसको हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म, पर इसका आईयूपीएसी से नाम आना चाहिए देना। तो यहाँ पे कार्बन नंबर एक ही है, तो आईयूपीएसी में हम इनको क्या नाम देते हैं, हेलो अल्केन। तो हेलो यहाँ पे क्लोरो मीथेन एक कार्बन है, पर यहाँ पे तीन क्लोरीन है, तीन क्लोरीन है, और वो सभी एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन अगर इसका हम दिखाएंगे तो दैट इज जस्ट लाइक दिस, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, बाकी तीन जो है वो क्लोरीन एटम्स है। दिस इज द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक, एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे देखो, इस कार्बन को अगर मैं नंबर करूँगा तो नंबर वन ही दूंगा, ठीक है, क्योंकि एक ही कार्बन है, कार्बन नंबर वन। तो कार्बन नंबर वन पे तीन क्लोरीन है, इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा दैट विल बी 1,1,1, ठीक है, एक ही कार्बन नंबर पे तीन क्लोरीन है, सो 1,1,1, देन इट विल बी ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है, 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन। दिस इज द आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर फॉर क्लोरोफॉर्म। सिमिलरली ऐसे कंपाउंड जब भी होते हैं, जैसे अगर हमारे पास है CHBr3, तो इसको हम बताएंगे कॉमन सिस्टम है ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। इसका भी आईयूपीएसी नाम जस्ट लाइक सेम होगा, 1,1,1 ट्राइब्रोमो मीथेन, ट्राइब्रोमो मीथेन। लेट्स सी फर्दर मोर एग्जांपल्स। अगर हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, लेट्स से इट इज CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, देन इट्स हियर Cl, इट्स अगेन हियर Cl। आई होप कि आपको याद आ रहा होगा, दिस इज अ विसिनल डायहराइड बिकॉज द टू हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स। यहाँ पे भी क्या है, सिंपली नंबरिंग 1, 2। कार्बन नंबर वन पे भी क्लोरीन है, दूसरे नंबर पे भी, तो इसको हम लिखेंगे 1,2-डाइक्लोरो, है ना। जब भी एक से ज्यादा सिमिलर सबस्टेंट्स होंगे वी विल यूज द प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा, ट्राई, एट्रा। सो 1,2-डाइक्लोरो, दो कार्बन है, डेफिनेटली इट इज डाइक्लोरोमीथेन। सिमिलरली अब अगर हमारे पास ऐसा होगा CH2Cl2, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जिमिनल डाइहैलाइड, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस। तो यहाँ पे इसका नाम हम कैसे देंगे, देखो यहाँ पे एक ही कार्बन नंबर पे दो क्लोरीन है ना, दिस इज कार्बन नंबर वन। इसका जो नाम हम लिखेंगे आईयूपीएसी नाम, इट विल बी 1,1-डाइक्लोरोमीथेन, एक ही कार्बन है, सो दैट्स मीथेन, 1,1-डाइक्लोरोमीथेन, जस्ट लाइक दिस। सिमिलरली अगर हमारे पास होगा CCl4, इसका कॉमन नेम जो है दैट्स कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। पर आईपीसी नेम जब देंगे तो ये कार्बन नंबर वन है, तो वन पे ही चार क्लोरीन है, सो इट्स वन, आईपीसी नेम विल बी 1,1,1,1 टेट्रा क्लोरो मीथेन, दिस विल बी इट्स आईयूपीएसी नेम, जस्ट लाइक दिस। होप दैट यू आर गेटिंग। सिमिलरली अगर हमारे पास कंपाउंड कुछ ऐसा है, एक क्लोरीन है, तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कार्बन दैट इज जस्ट लाइक दिस। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, देखो 1, 2 नंबर यहाँ पे मिल रहा है डबल बॉन्डेड कार्बन को,
यहाँ से भी वन टू, पर टू यहाँ पे क्लोरीन पे है, तो डेफिनेटली यही करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग है। अब टू पे क्या है, क्लोरीन है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू क्लोरो। उसके बाद ब्यूट है ना, चार कार्बन है, टू क्लोरो ब्यूट टू ई, जस्ट लाइक दिस। ऐसे आपको आना चाहिए नाम देना। सिमिलरली अगर हमारे पास कंपाउंड हेलो अल्केन जो है, जस्ट लाइक दिस है, फिर से यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे आपका हैलोजन एटम है। ओके लेट्स टेक क्लोरी। कहाँ से नंबरिंग करेंगे, देखो वन टू थ्री, वन टू थ्री, हैलोजन को क्लोरीन को सेम नंबर मिल रहा है, नंबर थ्री, पर डबल बॉन्ड इज गिवन मोर प्रेफरेंस, ठीक है, मोर प्रायोरिटी। तो नंबरिंग यहाँ से होगी वन टू थ्री फोर एंड फाइव। तो डेफिनेटली इसका नाम जो होगा, इट विल बी थ्री क्लोरो, यहाँ पे हम लिखेंगे इट विल बी थ्री क्लोरो। उसके बाद पेन, थ्री क्लोरो पेन टू ई, पेन टू ई, दिस विल बी इट इज करेक्ट आईपीसी नाम। अब अगर हमारे पास ऐसा होगा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, और यहाँ पे होगा मिस्टेक, यहाँ पे सी एच नहीं है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे ब्रोमीन है, देन इट सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री। तो इसका नाम कैसे देंगे, इसका जो नाम है नंबरिंग कहाँ से करेंगे, दिस इज द स्ट्रेट चेन, नंबरिंग शुड बी डन इन सच ए वे दैट डबल बॉन्डेड कार्बन को मिलना चाहिए लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। तो यहाँ पे इट इज टू ब्रोमो, उसके बाद तीन कार्बन है, सो डेफिनेटली प्रोप और वन ए, प्रोप वन ए, या सिंपली आप कह सकते हैं इट इज टू ब्रोमो प्रोपी, ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे इसका नाम देंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास दिस वन कंपाउंड है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, और यहाँ पे सी एल, जिसको आपने कॉमन सिस्टम में क्या कहा था, विनाइल क्लोराइड, डेफिनेटली यहाँ से नंबरिंग करेंगे वन एंड टू, तो इसको हम बताएंगे वन क्लोरो इथी, वन क्लोरो इथी। जैसे हमारे पास एलाइल था, दैट इज सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच टू सी एल, इट्स अवर एलाइल क्लोराइड, इसका जो नाम है। देखो यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे, डबल बॉन्डेड कार्बन शुड बी गिवन प्रेफरेंस, सो इट इज थ्री क्लोरो, थ्री क्लोरो प्रोप वन ई। ठीक है, थ्री क्लोरो प्रोपीन भी आप कह सकते हैं, या सिंपली थ्री क्लोरो प्रोप वन ए, तो वहां पे भी आप कह सकते थे वन क्लोरो एथ वन ए, राइट, ऐसे करें। ये आपको आना चाहिए हाउ टू गिव नेम फॉर दीज हैलो अल्केन्स। सिमिलरली अगर हमारे पास जस्ट लाइक दिस होगा, यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे आयोडीन है, एक ही कार्बन एटम के ऊपर, ठीक है, और ये सभी कार्बन एटम्स हैं, इसका नाम कैसे देंगे। देखो नंबरिंग जो है किसी भी साइड से आप कर सकते हैं, वन टू थ्री, वन टू थ्री सिमेट्रिकल है, वन टू थ्री। अब दूसरे कार्बन नंबर पे ब्रोमीन भी है और आयोडीन भी है, सो इसको पहले लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, सो विल राइट टू ब्रोमो, देन इट विल बी टू आयोडो, देन इट्स प्रोपेन, सो जस्ट लाइक दिस। ठीक है, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू गिव आईयूपीएसी नेम फॉर
हेलोअल्केन्स। नाउ इफ यू हैव एनी हेलोअल्केन और एनी हेलो यस मोनो हेलो अल्केन और डाई हेलो अल्केन और एनी हेलो अल्केन और अल्काइल हैलाइड जिसका आपको आईपीसी नाम नहीं आ रहा है, देन यू कैन कमेंट दैट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल प्रोवाइड द आंसर एंड आई विल एक्सप्लेन हाउ टू गिव नेम फॉर दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।